इंटरनेशनल फ्लाइटों से रिलेटेड एक जरूरी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी इस समय दुबई में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि दुबई की एयरलाइन कंपनी फ्लाई दुबई अपनी उड़ानें भारत पाकिस्तान के साथ साथ 9 और डेस्टिनेशन के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है, जिसकी जानकारी खुद खलीज टाइम्स से आई है। क्या लिखा है इस पूरे न्यूज़ में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस न्यूज़ के शुरुआत में ये बात मेंशन है कि फ्लाई दुबई अपनी दोबारा उड़ानें इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ 11 और देशों में शुरू कर रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिनलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, रोमानिया, सर्बिया और यूक्रेन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के लिए ही फ्लाई दुबई की स्पेशल उड़ानें रहने वाली है, जो कि केवल यूएई दुबई में फंसे हुए लोगों को उनके देश पहुंचाने का काम करेगी। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस न्यूज़ में पूरे तरीके से मेंशन की गई है कि आप फ्लाई दुबई से बुकिंग करने से पहले एक बार एम्बेसी से इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, उसके बाद ही आप फ्लाई दुबई से बुकिंग करें। इस न्यूज़ में एक बात और मेंशन की गई है कि जितनी भी फ्लाइटें होंगी वो गवर्नमेंट के अप्रूवल होने के बाद ही शुरू होंगी। यदि गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता है तो उड़ानें रद्द हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कस्टमर को 20 केजी बैगेज अलाउ रहेगा, यानी कि पैसेंजर 20 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और बात करें इसके कैंसिलेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप फ्लाई दुबई से बुकिंग कर रहे हैं तो आपको कैश में रिफंड नहीं मिलेगा। आपका यदि टिकट कैंसिल हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको फुल रिफंड फ्लाई दुबई की तरफ से मिलेगा, लेकिन वो वाउचर के रूप में ही रहेगा, जो कि आप अपनी अगली बुकिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फ्लाई दुबई इस बात को मेंशन कर रही है कि वह अपने फ्लाइटों में सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सुरक्षा के साधनों का इंतजाम रखेगी, जिससे कि यात्रियों में बीमारी कम से कम फैले। फ्रेंड्स, ये थी इस न्यूज की पूरी जानकारी। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर फ्लाई दुबई अपनी उड़ानें शुरू कर रही है, लेकिन ये उड़ानें गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही होंगी। यहाँ पर बुकिंग करने से पहले ये बात मेंशन है कि आप एक बार एम्बेसी से बात करें, उसके बाद ही आप अपनी फ्लाई दुबई से बुकिंग करें। ये सारी बात इस न्यूज में मेंशन थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप दुबई में रहते हैं और इंडिया आना चाहते हैं तो प्लीज आप एक बार फ्लाई दुबई से कॉन्टेक्ट करें और चेक करें कि उसकी उड़ानें कब से शुरू हो रही है, और इसके लिए आप एम्बेसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी अगर कुछ हेल्प हुई होगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं।